हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज प्रवीण गुप्ता। आज हम अध्याय सेकंड, मात्रक व मापन का लेक्चर फोर्थ, यथार्थता तथा मापन की परिशुद्धता का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। वेरी फर्स्ट तो हम जानना चाहेंगे यथार्थता तथा परिशुद्धता का तात्पर्य क्या होता है, फिर राशियों का पूर्णांकन कैसे करते हैं, उसके बाद किसी परिमाण की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, और फाइनली हम देखेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं। तो चलिए मापन की यथार्थता और परिशुद्धता से प्रारंभ करते हैं अपनी बात को। मापन की यथार्थता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूरेसी, हम साधारण बोलचाल की भाषा में ये शब्द यूज करते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही। तो यथार्थता का तात्पर्य होता है कि हमारा मापित मान सही मान के कितने करीब है। अगर बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल एक, तो फिर हम कहते हैं एक्यूरेट है, यानी कि यथार्थ है। बात समझ में आई? फिर परिशुद्धता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रसाइज, प्रसिजन। दो या दो से अधिक जो हमने मापन किए हैं वो एक दूसरे के कितने निकट हैं, पास पास हैं, तो प्रसाइज कहलाएंगे। बारीकी से हमने काम किया। बस में यथार्थ मतलब सही मान के पास। फिर परिशुद्धता का मतलब दो या दो से अधिक जो मापित मान है वो एक दूसरे के कितने करीब है। तो बात समझ में आई? अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। डायग्राम को देखो, ये तीनों तीर बिल्कुल सही जगह लगे हैं, तो एक्यूरेट लगे हैं ना, तो यथार्थ है ये। फिर तीनों पास पास में भी हैं तो परिशुद्धता भी है, तो उच्च परिशुद्धता तथा उच्च यथार्थता है इस घटना में। बस में आई और समझे? अब देखो, तीनों तीर पास पास लगे हैं तो प्रसाइज हैं, परिशुद्धता है, लेकिन सही जगह नहीं लगे हैं। सही जगह नहीं लगे हैं इसका मतलब यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है ये काम। उच्च परिशुद्धता तो है लेकिन निम्न यथार्थता है। निम्न मतलब देखना, न तो सही जगह लगे हैं, न पास पास में हैं एक दूसरे के, तो न ही तो परिशुद्धता है, न ही यथार्थता। थोड़ा आइडिया लगा परिशुद्धता और यथार्थता का? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक प्रयोग में छड़ की लंबाई का सही मान 4.9 सेमी है, राइट। अब चार लोग हैं ए बी सी डी, वो छड़ की लंबाई के मापन कर रहे हैं और देखेंगे हम किसकी यथार्थता अच्छी है, किसकी कम है, किसकी परिशुद्धता अच्छी है, किसकी कम है। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए की रीडिंग्स ये हैं 5.38, 5.39, 5.42, 5.41 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहले इनका औसत ले लें अपन। आप वीडियो को पॉज करके औसत लेके देखो, लगभग ये आ रहा है 4.5 5.4 सेंटीमीटर। क्या ये 4.9 के करीब में है? नहीं है, तो एक्यूरेट तो नहीं है, राइट। लेकिन ये रीडिंग एक दूसरे के पास में है, यस पास में है, तो हम कहेंगे परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। और समझते हैं बी की रीडिंग देख लेते हैं। बी की रीडिंग ये है, इनका औसत लो सबसे पहले 4.9। ये तो बिल्कुल सही मान के बराबर आ गया। सही मान के बराबर आ गया तो यथार्थ तो है, लेकिन क्या ये रीडिंग पास पास में है? नहीं है। क्या 4.6 और 5.2 पास पास में है क्या? नहीं, तो परिशुद्ध नहीं कहलाएगा। आइडिया लगा थोड़ा सा? और समझो सी की रीडिंग को देखो जरा। मान लीजिए सी की रीडिंग ये है, इनका औसत लो सबसे पहले 4.0 सेंटीमीटर। क्या 4.9 जो सही मान था उसके करीब में है क्या? ये नहीं है, तो यथार्थ तो नहीं है, राइट। नहीं रीडिंग पास पास, 4.3 4.0 पास पास में है क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो न तो परिशुद्ध है, न ही यथार्थ है। बात समझ में आई? क्लियर। डी को देखो, डी की रीडिंग क्या है? मान लीजिए डी की रीडिंग है, इनका औसत लो एक बार 4.9। ये तो सही मान के बराबर है, तो एक्यूरेट है, ये तो यथार्थ है। प्रसाइज परिशुद्ध है कि नहीं? हाँ देखो, ये पास पास में भी 4.91, 4.86, मतलब काफी पास पास में है एक दूसरे के, है ना। दशमलव तक जा रहा है, दशमलव के दो अंकों तक जा रहा है, तो हम कहेंगे परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। तो क्लियर हुआ थोड़ा सा ये? एक क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण है 2.6 की
राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित मानक घड़ी से दो घड़ियों का परीक्षण किया जाता है। एक स्टैंडर्ड है, उससे दो घड़ियों को चेक करते हैं। मानक घड़ी के अनुसार दोपहर 12 बजे दो घड़ियों की रीडिंग्स हैं वो ली जा रही है, राइट। पूरे एक हफ्ते ली गई, सोमवार से रविवार ये रीडिंग्स हैं। अब हमसे पूछा गया, यदि आप एक प्रयोग कर रहे हैं जिसके लिए परिशुद्ध समय अंतराल माप की आवश्यकता है, परिशुद्ध मतलब पास पास, समझ लो बात को, है ना, तो आप दोनों घड़ियों में से कौन सा, यथार्थ की जरूरत नहीं, एक्यूरेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पास पास होनी चाहिए रीडिंग, है ना, जितनी बार लें जो भी आ रही है, चाहे उसमें त्रुटि है कोई बात नहीं, लेकिन वो बिल्कुल पास पास में रीडिंग दे, ये चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, क्या आवश्यकता उस पर ध्यान देना आपने। अब 7 दिनों के प्रेक्षण में परिवर्तन की सीमा, परिवर्तन की सीमा का मतलब अधिकतम और न्यूनतम रीडिंग के बीच का अंतर। देखिए फर्स्ट घड़ी की बात करें तो गुरुवार को सबसे ज़्यादा रीडिंग है ना, वीडियो को बैक करके देखो, बुधवार को सबसे कम है, इनका डिफरेंस लिया तो 162 सेकंड का आ रहा है, करके देखो आप, बैठा के देखो। घड़ी दो की बात करें तो शनिवार को अधिकतम और शुक्रवार को न्यूनतम समय है ना, 7 दिन में अधिकतम न्यूनतम का अंतर देखना, कोई सा भी दिन हो वो चलेगा, तो 31 सेकंड का आ रहा है, राइट। अब यहाँ देखने वाली बात है घड़ी ए की औसत पाठ्यांक, घड़ी दो के औसत पाठ्यांक की तुलना में मानक समय के बहुत निकट है। फर्स्ट वाली है वो देखिए 12 बजे के आसपास ही रीडिंग दे रही है ना, तो यथार्थ मान तो घड़ी फर्स्ट दे रही है, बात ठीक है ना, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि घड़ी की शून्य त्रुटि यानी त्रुटि सटीक कार्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती है, क्यों, जितनी कि उसकी भिन्नता, क्योंकि शून्य त्रुटि को हमेशा आसानी से ठीक किया जा सकता है, कोई गड़बड़ आ रही है आगे पीछे हो रही है तो घड़ी को सेट करके हम सेट सही कर सकते हैं, भाई घड़ी आगे चल रही है तो पीछे कर लेंगे, सेट कर लेंगे उसको, है ना, राइट। तो शून्य त्रुटि को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट मान बात करें, प्रसाइज मान दे रही नहीं दे रही, है ना, क्योंकि हमें इस उदाहरण के अंदर बात चाहिए प्रिसीजन की, परिशुद्धता की बात हो रही है। तो देखने वाली बात है कि अतः घड़ी वन की तुलना में घड़ी दो को वरीयता दी जाएगी, क्यों, घड़ी दो की रीडिंग बहुत पास पास है, देखिए इसके अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 31 सेकंड और फर्स्ट वाले का कितना है 162 सेकंड, यानी इसका मतलब काफी दूर दूर है वो रीडिंग, और सेकंड वाली घड़ी की पास पास में होती है, तो हम क्या कहते हैं, प्रसाइज है, परिशुद्ध है, इस प्रयोग में हमें परिशुद्ध घड़ी को चूज करना है, का चयन करना है, तो कौन सी है वो घड़ी, सेकंड, क्लॉक सेकंड, तो हमारा आंसर क्या होगा इस उदाहरण में, क्लॉक सेकंड, बात समझ में आई, ओके। अब हम जानते हैं उपकरणों की परिशुद्धता तथा यथार्थता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें मापन के उपकरण की सीमा, यानी वो जो भी उपकरण है वो कहाँ तक नाप सकता है, उसका अल्पतमांक वो कितना न्यूनतम नाप सकता है, इन बातों पर भी निर्भर करेगी। एग्जाम्पल लेते हैं इस बात के लिए, मान लीजिए कि किसी लंबाई का सही मान है 3.657 सेंटीमीटर, उदाहरण लिया हमने, राइट। एक प्रयोग में अल्पतमांक 0.1 सेमी के एक मापने वाले उपकरण का उपयोग करते हैं, हमारा जो स्केल होता है सामान्य पैमाना होता है 1 mm तक न्यूनतम मान नापता है वो अल्पतमांक होता है, है ना, जिन्होंने भी अल्पतमांक लिस्ट काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा तो उस लेक्चर को पूरा देखें, है ना, अपने काम का है, ओके। तो मान लीजिए उस स्केल से नाप रहे हैं, स्केल 1 mm तक नापता है तो यानी 0.1 सेमी तक नापता है, उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मापा गया मूल्य 3.5 सेमी पाया गया, फाइन। जबकि एक अन्य प्रयोग में अल्पतमांक 0.01 सेमी, ये वर्नियर का होता है अल्पतमांक, इसका उपयोग करते हैं तो लंबाई आई 3.38 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस पर बात कर ले, पहले माप में अधिक सटीकता है, पहले माप में अधिक सटीकता है, यानी देखिए पास में है ना, पास में है तो हम क्या कहते हैं, यथार्थ, है ना, लेकिन दूसरा देखो 3.38 दूर है ना, लेकिन कम परिशुद्ध, परिशुद्ध क्यों, क्योंकि देखिए 0.1 अंक तक ही नाप रहा है पहला वाला, है ना,
क्योंकि इसका अल्पतमांक क्या है 0.1 सेमी, जबकि दूसरा माप कम यथार्थ है। दूसरा वाला माप देखिए 3.5 से तो काफी दूर हो गया है ना, तो 3.657 सही मानता उसे काफी दूर हो गया, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन दशमलव के दो अंकों का नाप रहा है, यानी ये ज्यादा अधिक परिशुद्ध मापन करेगा। बात समझ में आई, क्लियर है ये वाली बात? इतनी अब पूर्णांकन की बात कर लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ये छोटी क्लास से आप करते हुए आ रहे हैं, फाइन। एक गणितीय क्रियाओं में अंतिम पूर्णांक को पूर्णांकित प्रचलन द्वारा उचित संख्या में सार्थक अंकों में परिवर्तित किया जाता है। ओके, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5, कुछ नियम है ना, उन नियमों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी गणितीय क्रिया होती है तो हम अंतिम जो परिणाम होते हैं पहले उनको पूर्णांकन करते नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो लास्ट में उसको पूर्णांकित करते नहीं करते, 50 पैसे से कम है तो छोड़ देते हैं, वो वाली बात हो रही है, 50 से ज्यादा है तो 1 रुपया बढ़ा देते हैं, तो वो वाली बात हो रही है, उसको कहते हैं पूर्णांकन। बस में आ रही है। तो इसके कुछ नियम हैं। फर्स्ट नियम, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है, यानी 4 या उससे कम है, तो पूर्ववर्ती अंक को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए 4 है, अब ये 5 से छोटा है ना, इसको छोड़ना है अपने को, तो इससे पहला वाला अंक अनचेंज रहेगा, यानी आंसर क्या कहलाएगा पूर्णांकन में 7.3, क्लियर। दूसरा एग्जांपल है 7.93, अब 3 को छोड़ना है, तो आप देखिए ये फिर से 5 से कम रह गया 3, तो इसको जब हटाएंगे तो 9 पे कोई अंतर नहीं आएगा, ये मतलब था। सेकेंड नियम की बात करें, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक हो तो पूर्ववर्ती अंक को 1 से बढ़ाया जाता है, करते हैं ऐसा। एग्जाम्पल देखें, अब 6 को हटा रहे हैं, 6 तो 5 से ज्यादा है, तो इससे पहला वाला अंक 1 से बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 3, क्लियर। अब 9 को हटा रहे हैं अपन, तो 9 तो 5 से ज्यादा होता है, तो 8 1 से बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11.9। बस समझ में आई ना। नेक्स्ट नियम की बात कर ले, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 के बाद 0 के अलावा अन्य अंक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम क्या कह रहे हैं, छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उसके बाद जो है 0 के अलावा, 0 नहीं है कुछ और है, 5 को छोड़ना है, तो 5 के बाद 1 है, 0 तो नहीं है ना, 0 के अलावा कोई अंक है, ये वाली बात हो रही है, तो पूर्ववर्ती अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है, तो 5 से पहला वाला है 1 से बढ़ जाएगा, ये कितना हो गया 7.4। और लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए यह है 18.154, ये यहां तक बस 1 तक पूर्णांकित करना है, तो 5 को छोड़ना है, तो 5 के बाद 0 के अलावा कोई है, चाहे 4 हो 3 हो 9 हो, तो इससे पहले वाला 5 से पहला वाला 1 से बढ़ जाएगा 18.2। बस समझ में है ना। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 ही 5 है और 5 के बाद 0 है, अभी तक बात हो रही थी 0 के अलावा कुछ भी है, 0 है, तो पूर्ववर्ती अंक को नहीं बदला जाता है, जबकि वो क्या हो, सम संख्या हो। मतलब उदाहरण लें 3.45, 5 को छोड़ना है, 5 के बाद तो 0 है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 है, तो 5 से पहला वाला अंक चेंज नहीं होगा, यदि ये सम है, 4 तो सम होता है इसलिए चेंज नहीं हुआ। 3.45 0 है, 0 है या नहीं है, है ना, तो हम 0 मान लेते हैं, 5 को छोड़ना है, इससे पहले वाला सम है ना भाई, तो अनचेंज रहेगा, क्लियर है। लेकिन छोड़े जाने वाला अंक 5 है और 5 के बाद 0 है, तो पूर्ववर्ती अंक को 1 से बढ़ाना पड़ता है, यदि वह विषम संख्या है, 5 को हटा रहे हैं, 5 के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 है, इससे पहला वाला अंक क्या है, समय विषम है, 3 विषम है, तो 1 से बढ़ जाएगा, इसको पूर्णांकन के पश्चात क्या करेंगे, 7.4। बात क्लियर हुई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7.750, 5 को हटाना है, 5 के बाद 0 है, इससे पहला वाला अंक विषम है, तो 1 से बढ़ जाएगा 7.8। क्लियर हुई के बाद, चलिए अब इस पर आपके लिए एक्सरसाइज है, अभ्यास आप खुद करिए। निम्नलिखित संख्याओं को पूर्णांक बनाकर परिवर्तित करो। 14.653, 3 अंक तक करना है, ठीक है,
तीन अंक एक चार और बस यहीं तक करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आना चाहिए 14.7। रूल नंबर 3 अप्लाई करके देखो क्या ये आंसर आपका आ रहा है ना, खुद से ट्राई करो। 13.65, 3 अंकों तक करो, आंसर ये आना चाहिए। 12.653, 4 अंकों तक करो, ये आंसर आना चाहिए। रूल नंबर 1। 0.3995, 1 अंक तक, दशमलव के बाद 1 अंक तक करना है, इसका मतलब यहाँ पर ये है ना। तो क्या 0.4 आ रहा है क्या? रूल नंबर 2 अप्लाई करके देखो, आना चाहिए। तो एक और 3.5936 × 10⁻³ है ना, 2 अंकों तक करना है आपको, आपका आंसर ये आना चाहिए। रूल नंबर 2 अप्लाई करना, फाइन। चलिए अब देख लेते हैं परिमाण की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी रिजल्ट की। परिणाम की कोटि का तात्पर्य क्या होता है? परिणाम की कोटि यह वास्तविक मूल्य नहीं देता है, लेकिन वास्तविक मूल्य के निकटतम मूल्य को देता है, आइडिया देता है 10⁻⁷ के अंदर बेसिकली, फाइन। इसकी परिभाषा क्या है? किसी संख्या के निकटतम 10⁻⁷ परिमाण की कोटि कहलाती है। कोई भी आपका रिजल्ट आया उसको 10⁻⁷ में हम चेंज करेंगे। 10⁻⁷ जो आती है, घात जो होती है, उसको हम परिमाण की क्या कहते हैं? कोटि। तो आप समझ सकते हैं कोई वास्तविक मूल्य तो नहीं देगा, लेकिन वास्तविक मूल्य के निकटतम मूल्य को देगा। क्लियर ये वाली बात? इसका उपयोग क्या है? यह अनुमान लगाना कि दी गई भौतिक राशि कितनी बड़ी है छोटी, इससे इसका क्या उपयोग है? इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हमारी दी गई राशि कितनी छोटी या बड़ी है, राइट। इससे हमें कोई वास्तविक मान नहीं पता लगता, वास्तविक मूल्य नहीं देता, लेकिन ये पता लगता है कि ये कितना निकट है। क्लियर ये वाली बात? अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मेथड तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी दी गई संख्या है उसको इस रूप में चेंज करना है, ए गुणा 10⁻⁶, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा करना है। अच्छा, ए जो होगा वो आपको 1 और 10 के बीच में लेना है, वो 1 हो सकता है लेकिन 10 से कम। बी जो है आपका एक धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पहला काम ये करना है, एग्जाम्पल लेंगे, चिंता ना करें। सेकेंड स्टेप में यदि ए 5 से कम है तो ए ए को 1 के रूप में पूर्णांकित करना, 5 से कम है तो 1 मान लेते हैं, है कि नहीं। और यदि ए 5 से बड़ा है या उसके बराबर है तो ए को 10 के रूप में पूर्णांक दे देते हैं, फाइन। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इस प्रकार 10⁻⁷ जो भी आ जाएगी वो परिमाण की कोटि हमको देगी। क्लियर है, फाइन। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि ये हमारा क्लियर हो जाए, ऑर्डर परिमाण की कोटि। बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या है 0.005। सबसे पहला काम करना है a × 10⁻⁶ b, राइट। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ − 3, हाँ लिख सकते हैं। अब 5 या 5 से बड़ा होता है तो 10 कह देते हैं, तो ये 10⁻²  हो गया। अब 10⁻⁷ जो भी है वो परिमाण की कोटि, 10⁻³ कितनी है? −2। तो आंसर क्या कहलाएगा? −2। तो हमसे कोई पूछेगा 0.005 के परिमाण की कोटि क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? −2। ये मतलब है इसका, बस में। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 0.049, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? पहले a × 10⁻⁶ b, a ध्यान दीजिएगा 1 और 10 के बीच में हम लिखते हैं, 1 हो सकता है 10 से कम। अब फिर देखते हैं ए 5 से कम है, 5 से कम है तो 1 कह देंगे, तो 10⁻², तो कोटि क्या आएगी? −2। बात क्लियर हुई है ना। अब सबसे पहले आप खुद चेंज करो 0.05 को, देखो −1 आ रहा है नहीं आ रहा है, खुद से करके देखो पहले। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻²? यस, 5 या 5 से बड़ा तो 10 कहते हैं, ये 10⁻⁶ हो गया, तो इसकी परिमाणिक कोटि क्या कहलाएगी? −1। नेक्स्ट, फिर से आप खुद से ट्राई करो, 0.049 की कोटि क्या? −1 आ रही है।
सबसे पहले 0.49 को कैसे ले सकते हैं, 4.9 × 10^-1, क्या ये 5 से कम आ रहा है 4.9? यस, 1 × 10^-1, 10^-1 हो गया, राइट। तो परिमाणीय कोटि क्या कहेगी, -1। 0.5 आप खुद करके देखो क्या इसकी कोटि 0 कहला रही है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस, 5 या 5 से बड़ा 10, तो ये 10^1, तो ये 10^0 हो गया, तो कोटि क्या आ गई, 0, क्लियर हो गया है ना। और लेते हैं छठा क्वेश्चन, 0.6 चेंज करो, देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा अपने आप से, फिर चेक करो आंसर। नेक्स्ट फर्स्ट 1 है, संख्या 1 ही है, अब इसको चेंज करो कैसे लिख सकते हैं, देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा, खुद करके देखो है ना, पॉज करते हुए चलो वीडियो को, राइट। 4.9 कैसे लिख सकते हैं इसको, a × 10^b है ना, ओके, तो ये 5 से कम हो गया तो 1 क्या देखेंगे इसको, 10^0, तो 0 कहलाएगी, 5 है संख्या। सबसे पहले a × 10^b लिखना आपको है ना, तो 5 या 5 से बड़ा होता है 10 कह देते हैं, तो ये 10^1 हो गया, तो ये 1, तो कोटि क्या कहलाएगी, 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, तो क्या बनाएगा, यस आ रहा है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 12 है, सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं a × 10^b, और a हमने क्या बताया, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए है ना, 1 हो सकता है, तो हमको देखिए 1.2 × 10^1 ऐसे लिख सकते हैं, अब ये 5 से कम रह गया तो 1 कहना है, 10^1 है ना, इसकी कोटि कितनी कहलाएगी हमारी, 1 कहलाएगी, कितनी कहलाएगी ये, 1 कहलाएगी, कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी, बस समझ में आई ना, ओके। नेक्स्ट 49 राइट, तो सबसे पहले 49 को ऐसे लिख सकते हैं 4.9 × 10^1, और 4.9 है, 5 से कम रह गया तो 1 कहेंगे 10^1, तो कोटि क्या कहलाएगी, इसकी भी 1 कहलाएगी, क्लियर। नेक्स्ट 50, 5 × 10^1, तो 10 × 10^1 हो गया, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा 10 कहलाता है, तो 10² तो 2 कहलाएगी, क्लियर। 51, 5.1 × 10^1, 5.1 को 10 लिख सकते हैं, तो 10² × 2 हो गया, 499 करके देखो क्या 2 आ रही है इसकी कोटि, क्या इसको ऐसे लिखेंगे, 4.99 × 10² यानी 1 × 10² है ना, तो भैया कोटि कितनी आ जाएगी इसकी, क्लियर है, समझ में आई थी बात, तो अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सभी की कोटि क्या आपकी 2 आ रही है यहाँ पर है ना, 2 आ गई, ठीक है आगे चले, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16, 500, अब आप खुद चेक करो पहले क्या 3 आ रही है नहीं आ रही, 500 कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10^2, 5 या 5 से बड़ा 10 कहलाता है, तो 10^3 यानी कोटि कितनी हो जाएगी, 3, क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन, 501 है, 3 ही आनी चाहिए, कैसे लिख सकते हैं देखो, फाइन। 999, 9.99, अब ये देखिए 5 से बड़ा होना चाहिए बस, और 10 से छोटा है ना, तो 10 कहलाता है, तो 10^1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और 1000 है, तो 1 × 10^3 तो 3 कहलाएगी, तो क्लियर हो गया सभी को है ना, कि किसी भी परिमाण की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर, ओके। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इस पर भी अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं समझने के लिए अपन। मान लीजिए एक लंबाई 4.23 है, इसको हम माप रहे हैं, और मापने के लिए हमारे पास एक सामान्य पैमाना है, आपके पास जो स्केल है उसमें क्या है, सेमी और मिलीमीटर लेके रहते हैं, राइट। तो आप जरा गौर से देखें तो उसमें 4.2 नाप सकते हैं, 4.3 नाप सकते हैं, लेकिन 4.23 तो नहीं नाप सकते हो, आप स्केल में देखो नहीं नाप सकते हो ना, यस, तो 4.2 तक तो सटीकता से नाप लोगे, लेकिन ये जो ये वाला अंक है 3 वाला, 0.03 वाला, इसके लिए आप निश्चित नहीं है,
इसको हम अनिश्चित अंक कहते हैं, किसको, 0.03 यानी ये तीन वाला अंक आपका, फाइन। तो लंबाई का माप है 4.23, इसमें 4.2 तो इस पैमाने से हम नाप सकते हैं, ये निश्चित अंक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निश्चित अंक कहलाएगा, लेकिन ये तीन वाले के लिए हम निश्चित नहीं है, अनिश्चित अंक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, पहला अनिश्चित अंक। तो सार्थक अंकों की परिभाषा क्या हुई, सभी निश्चित अंक मापन तो यही है 4.23, सभी निश्चित अंक यानी बिल्कुल सही अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक मिलकर किसी मापन के सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण करते हैं। बात समझ में आई। अब इसके अपने कुछ रूल्स हैं, रूल नंबर वन नियम है, सबसे पहले तो सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, शून्य के अलावा है, जैसे ये है 123.56, तो इसमें जीरो कोई नहीं आ रहा, सब गिन लो कितने आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं, क्या सार्थक अंकों के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे, पांच। दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य भी सार्थक कहलाते हैं, एग्जाम्पल ये है, तो देखिए 3 और 5 के बीच में कोई शून्य आ रहे हैं, सब काउंट होंगे, दशमलव से मतलब नहीं है यहाँ पर, तो कितने हैं, 6 कहलाएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, तो SF कह दिया, 6 कहलाएंगे। दशमलव स्थानों के बाद अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं, क्योंकि ये तो सटीकता को दर्शाते हैं, एग्जाम्पल लें बात को, मान लीजिए लंबाइयों के कुछ मापन आपने किए, 3.5 सेंटीमीटर, 3.50 सेंटीमीटर, 3.500 सेंटीमीटर, अब ये दशमलव स्थानों के बाद में ये शून्य हैं, ये सटीकता को दर्शाते हैं, तो ये सार्थक होते हैं, क्यों होते हैं इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपने 3.5 सेंटीमीटर नापा, ओके, तो ऐसा हो सकता था कि 3.4 होती इसकी रीडिंग, ऐसा हो सकता था 3.6, तो ये रीडिंग 3.4 और 3.6 के बीच में है, ओके, 3.50 की बात करें तो ये रीडिंग जिससे भी नापी है 1 हेड से नापी जाएगी बेसिकली, तो 3.49 और 3.51 सेंटीमीटर की, ठीक है आपकी एक्यूरेटली 3.50, ऐसा हो सकता था 3.49, तो सार्थक अंक कितने होते, 3 होते, नहीं होते, 3.5 होते, 3 होते, तो इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे ना, तो ये 0 काउंटेबल है। बस आपने कोई रीडिंग ली थी स्क्रू गेज से नापा जाएगा 3.500 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता था, देखिए ये रीडिंग दोनों के बीच में, अगर ये आता तो कितने काउंट करते हैं, 4, ये होता तो कितने काउंट करते हैं, 4, तो इसमें भी तो 4 ही काउंट करेंगे, है ना, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी कहलाएगी, 2, इसमें कितनी कहलाएगी, 3, और इसमें कितनी कहलाएगी, 4। बात समझ में आई, इसका मतलब दशमलव वाले जो भी आपके मापन होंगे उसमें बाद में आने वाले जो शून्य हैं वो सार्थक अंकों में काउंट करेंगे, क्लियर है, ओके। अब सार्थक अंकों की संख्या हमेशा संरक्षित रहती है, इकाइयों का परिवर्तन सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं बदल सकता है, सार्थक अंकों को नहीं बदलता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक बार माप हो जाने के बाद माप की निकटता के अनुसार सार्थक अंक तय किए जाते हैं, एक बार मापन हो गया तो सार्थक अंक निश्चित हो जाते हैं, फिर वो चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रहे। अगर हम माप को कुछ अलग अलग इकाइयों में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक नहीं बदलेंगे, क्योंकि सार्थक अंक केवल केवल मापन से आते हैं, है ना, वो एक्यूरेसी पर निर्भर करता है सार्थक अंक को, जिससे भी आपने नापा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए माप mm पैमाने का उपयोग करके किया जा रहा है और हम लंबाई 85 mm अब आपने नापी, तो 85 mm आपने नापी तो सार्थक अंक कितने हैं, क्या 2 है कि नहीं, है ना। अब यदि हमें गणना में इसे अन्य इकाइयों में चेंज करना है, ओके, राइट, जैसे 85 mm, आप 85 mm को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तब भी सार्थक अंक तो 2 ही कहलाएंगे। बस
मीटर में चेंज करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे 0.085, है ना। तो ध्यान दीजिए, 8 और 5 बस ये दो सार्थक अंक कहलाएंगे। फाइन, किलोमीटर में ये दो ही सार्थक अंक कहलाएंगे। दशम, अब एक से कम जो होता है आंकड़ा, यानी कि देखिए दशमलव से बात स्टार्ट होती है, तो ऐसे शून्य अंक से पहले के शून्य काउंटर नहीं होते। अभी नियमों में चर्चा करेंगे, पहले समझ लो इस बात को, है ना। क्योंकि ये आपने कोई मापन नहीं किया है, ये तो आपने इकाई चेंज की। मापन तो बस एक बार कर लिया आपने 85, तो बस जितने सार्थक अंक है वही कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इस किलोमीटर को ऐसे लिख सकते हो, 8.5 × 10⁻¹⁵ लिख सकते हो। ओके, तो ये 10 की घात है, इसको भी नहीं काउंट करते हैं, दो सार्थक अंक कहलाएंगे। बस समझ में आ रही है। माइक्रोमीटर में चेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शून्य अंक के बाद वाले शून्यों को नहीं काउंट करते, दशमलव वाले में काउंट करते हैं, लेकिन इसमें नहीं काउंट करते हैं, दो सार्थक अंक कहलाएंगे, 8 और 5 2। इससे ही कुछ और नियम बना लेते हैं अपन, जिससे आपके लिए इजी हो जाए। यदि संख्या एक से कम है, जैसे अभी बात कर रहे थे 0.0 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो दशमलव के बाद सभी शून्य और पहले शून्य अंक के मध्य के समस्त शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि ये केवल इकाई परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल, 85 सेंटीमीटर को ऐसे लिखा 0.085। तो ध्यान दीजिए, इसमें अशून्य अंक और दशमलव के बीच का ये शून्य नहीं काउंट कर रहे हैं, दो ही सार्थक अंक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है, ऐसे लिखा। तो ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद के सभी शून्य और अशून्य के बीच के चारों शून्यों को नहीं काउंट करेंगे, दो सार्थक अंक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। दशमलव बिंदु के बिना किसी संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि ये भी इकाई परिवर्तन है। जैसे हमने माइक्रोमीटर में लिखा था ऐसे लिखा था 85 mm को, 85,000 माइक्रोमीटर। तो ध्यान दीजिए, दशमलव बिंदु के बिना है ये, तो इसमें अशून्य अंक 5 के बाद के शून्य है, 3 ये शून्य नजर आ रहे हैं, इनको नहीं काउंट करेंगे, 8 और 5 दो सार्थक अंक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है, राइट। ओके, 154 मीटर मान लीजिए, इसको सेंटीमीटर में ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 के बाद के शून्य को नहीं काउंट करेंगे, आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 बढ़ेगा, लेकिन ये शून्य नहीं है हमारा मापन, तो यही है 154। एक बार कर लिया बस, सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कहलाएंगे। नियम क्या कहता है कि दशमलव वाला नहीं है आंकड़ा हमारा, इनमें कोई दशमलव नहीं आ रहा है, तो अशून्य अंक के बाद वाले शून्य, ये दोनों जीरो, ये तीनों जीरो सार्थक अंक नहीं कहें, कितने कहलाएंगे, 3 सार्थक अंक कहलाएंगे। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट नियम, 10 की घात सार्थक अंकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये भी इकाई परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 85 mm को हमने ऐसे लिखा था 8.5 × 10⁻¹⁵ किलोमीटर, 10 की घात से कोई मतलब नहीं है, तो इकाई परिवर्तन के कारण आया है, 8 और 5 ये 2 अंक। मीटर में चेंज करेंगे तो इतना, 8 और 5 दो सार्थक अंक कहलाएंगे, 10 की घात को नहीं काउंट करते हैं। क्लियर है। मान लीजिए 154 मीटर है, सेंटीमीटर में ऐसा लिखेंगे अपन। ओके, तो बस इसमें कितने, 3 सार्थक अंक हैं, 3 ही कहलाएंगे, 10 की घात से मतलब नहीं है, ये तो आपने इकाई परिवर्तन किया है, मापन नहीं किया, मापन तो ये था, ठीक है। एक बार मापन हो गया, सार्थक अंक फिक्स हो गए, संरक्षित हो गए। क्लियर हुई बात। mm में चेंज करोगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी 1 0, फिर भी सार्थक अंक नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि वो सार्थक अंक मापन द्वारा होते हैं, एक वो तो यथार्थता पर निर्भर करता है मापन की। नेक्स्ट, कुछ माप बिल्कुल सटीक होते हैं, इस प्रकार के माप अनंत रूप से सटीक होते हैं, यथार्थ होते हैं, इसलिए इनमें सार्थक होंगे संख्या हम अनंत कहते हैं, बिल्कुल ही सही नाप रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्लास में ट्यूबलाइट जो लग रही है वो 6 है, तो आप काउंट कर लिया, उसमें मापने में कहाँ गलती हो रही है, 6 है वो बिल्कुल सटीक है, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और दशमलव वाले के अंदर हम बाद के शून्यों को काउंट करते हैं, तो अनंत तक 0 लगा सकते हैं ना, तो ये अनंत रूप से सार्थक कहलाता है, अनंत सार्थक अंक कहलाएंगे। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट नियम, ट्रांसडेंटल फलन
गैर बीजगणितीय फलन भी कहते हैं, जैसे साइन, साइन इनवर्स, चरघातांक, एक्सपोनेंशियल लॉग में सार्थकों की संख्या इसके मापांक में सार्थकों की संख्या के तुल्य होती है। मतलब एग्जाम्पल है, समझाएं इस बात को। साइन 30 डिग्री में 30 डिग्री को मापांक कहते हैं, पहले तो लॉग एक्स है तो एक्स मापांक कहलाता है। एक एग्जाम्पल है, साइन 30 डिग्री 0.87 लिखा हमने, है ना। तो देखने वाली बात है, अब आप कैलकुलेटर से देखो, साइन 30 डिग्री को 3 दशमलव के 3 अंकों तक आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो अब इसमें 3 आ रहे हैं ना, तो इसमें सार्थक अंक कितने कहलाएंगे? 3 कहलाएंगे। फाइन, आप अगर 4 अंक में देखें, साइन 30 कैलकुलेटर में बहुत सारे अंक तक बता देगा वो, है ना। तो इसमें कितने आ रहे हैं देखिए, दशमलव वालों में हम बाद के शून्य काउंट करते हैं, तो ये 4 कहलाएगा, तो 4 सार्थक अंक कहलाएगा। 5 अंक तक देखो कैलकुलेटर में ना आएगा, तो ये 5 कहलाएगा, है ना। 2 अशून्य अंकों के बीच का शून्य तो काउंट करते हैं अपन। अब संयोजन की बात कर लेते हैं, जोड़ और घटाओ की बात करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सादा सरल लोलक होता है ना, साधारण लोलक, उसमें धागे की लंबाई मिलीमीटर में 75.4 सेंटीमीटर है, और गोलक की त्रिज्या वर्निंदर से नापी 2.53 सेंटीमीटर है। तो इसकी तुल्य लंबाई EQ का मतलब इक्विवेलेंट तुल्य लंबाई L प्लस R ज्ञात करना। फाइन, ओके। अब देखिए इसमें तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक है, यहाँ दशमलव का 1 अंक है, तो यानी ये वाला अंक हमें पता नहीं। जब आपके पास वर्नियर है तो ये भी हम वर्नियर से नाप सकते थे, इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो आपने नापा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये चौथा, ये दशमलव के बाद दूसरा अंक नहीं पता एक्चुअली, भाई 3 में क्या जोड़ेंगे हमें पता नहीं है ना, समझो बात को। तो ये वाला पता नहीं, तो इसका आंसर कितना कहलाएगा? 77.9 सेंटीमीटर कहलाएगा ना। तो रूल क्या है, इसी एग्जाम्पल से रूल बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं। सबसे पहले सभी राशियों को कम से कम दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कर लो, ठीक है। आपने 2.53 किया तो सबसे कम दशमलव अंक किसके पास है ना, दशमलव बाद 1 अंक, तो इसको भी 1 अंक तक पूर्णांकित कर लो। और फिर जैसे आप जोड़ते हो सामान्य तरीके से, जोड़ो घटाओ कर लो, ये तरीका हो गया। तो जोड़ो घटाओ में आपको कम से कम दशमलव अंकों तक पूर्णांकित करके करना है, तो सही सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों में गणना होगी, ये नियम है। इस बात के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, योग का एग्जाम्पल। मान लीजिए इन 2 राशियों का जोड़ना, राइट। अब आप देख सकते हो दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, यहाँ 2 है, तो आपको ये इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा, 3 को, 3 को हटाना पड़ेगा, है ना। 3 को आप हटाओगे भाई, है ना, और फिर आप जोड़ोगे, तो देखिए ये तो 5 से कम है, तो छोड़ देंगे इसको, ये रह गया। और अब सामान्य तरीके से जोड़ लो, तो क्या इतना आ रहा है ना। तो अब हमारे सार्थक अंक कितने कहलाएंगे? इसमें 4। घटाओ का ले लें का एग्जाम्पल। मान लीजिए सबसे पहले हम न्यूनतम दशमलव के अंक, न्यूनतम क्या है, 1 तक, तो हमें 8 को हटाना है, पूर्णांकित करेंगे इसको, है ना। पूर्णांकित करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ गया। फिर सामान्य तरीके से घटा लो, ये आ गया, है ना। दशमलव वाले में दशमलव के बाद के शून्य काउंट करते हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने कहलाएंगे? 4 कहलाएंगे। बस समझ में आ गई सभी को, है ना। नेक्स्ट नियम, गुणा और भाग का नियम। मान लीजिए 2.11 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, ओके। पहले तो सामान्य तरीके से अपन करते हैं, फिर नियम बना लेंगे, है ना। जैसे करते हैं, अब ये क्या है पता नहीं, इसको गुणा करेंगे तो क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर 2 से करेंगे इसको, तो इस स्थान पर क्या आएगा ये पता नहीं है, है ना। ये तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, क्लियर। अब 1 से करेंगे अपन, है ना, तो इस स्थान पर पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये तो 1 आएगा, और ये 1 1 2 आएगा। जोड़े इनको अपन, तो इस स्थान पर अज्ञात है राशि, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, इस स्थान पर भी अज्ञात है, ये 5 और ये 2 आ गया, है ना। तो ये अज्ञात है, इनको छोड़ दो, तो आंसर हमारा 2.5 कहलाएगा। तो क्या रूल बना? पहले सामान्य तरीके से गुणन विभाजन कर लो, फिर परिमाण को कम से कम सार्थक अंकों में पूर्णांकित कर लो, है ना। कम से कम सार्थक अंक 2 थे,
जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, राइट। अब देखिए इसमें कितने, 5 सार्थक अंक है कि नहीं है, आप पहले तो गुणा करके देखो ये आ रहा है ना। इसमें कितने, 3 है, तो दोनों में कम किसके पास है, 26.43 है, तो आपका आंसर केवल केवल 3 सार्थक अंकों में मान्य होगा, अब इस आंसर को 3 सार्थक अंकों में पूर्णांकित करना आपको ध्यान दीजिएगा 3 में, तो हमको इसको मजबूरी में ऐसा लिखना पड़ेगा 8,250। क्यों? क्योंकि अशून्य वाले, दशमलव वाला नहीं है ये, तो अशून्य अंक के बाद का शून्य काउंट नहीं होंगे, इसमें कोई पूछेगा आपसे सार्थक अंक कितने कहलाएंगे, 3 ही कहलाएंगे, है ना। इस 3 को भी नहीं लेना पड़ेगा हमको, 3 लेते तो 4 कहलाएंगे, और हमारे न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, तो हमें 3 में ही कन्वर्ट करना है, एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बात समझ में आई? ओके, अब आपके लिए अभ्यास एक। निम्नलिखित में से कौन सा माप सबसे अधिक यथार्थ है, ये बोल्ड में लिखा हुआ नहीं आंसर है आपका, हिंट दे रहे हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। सार्थकों की संख्या जितनी अधिक होती है माप उतना ही अधिक सटीक या यथार्थ होता है। अच्छे से नापा आपने, है ना, सार्थक अंक की संख्या सबसे ज्यादा किस में है, सी वाले में है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। एक गोलक का व्यास जब वर्नियर कैलिपर के साथ मापा जाता है तो निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं, यह है, तो उपयुक्त सार्थक अंकों में गोलक का औसत व्यास ज्ञात करना है, आपका आंसर ये आना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है, औसत लेने के लिए जोड़ना है आपको, है ना, जोड़ो फिर भाग लगाएंगे, जोड़ो घटाओ में परिमाण को दशमलव की न्यूनतम संख्याओं तक निरूपित करते हैं पहले, तो है ना, उसके बाद में फिर, है ना। अब देखिए दशम इसमें कितने न्यूनतम है, सभी में दो दो है, तो आपको 2 में दशमलव के 2 अंकों तक करना है आपको, तो आप करके देखो क्या 3.33 आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन आप कीजिएगा। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 87.2 ग्राम है और आयतन है, सही सार्थक अंकों तक इसका घनत्व ज्ञात करना है, आंसर ये आना चाहिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान में आयतन का भाग लगाना है, गुणनफल और भागफल, भागफल में परिमाण में क्या करते हैं अपन, न्यूनतम संख्याओं तक सार्थक अंकों में निरूपित करते हैं, न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 25 में है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो आपका आंसर 2 अंकों तक होना चाहिए, है ये भी, तो आप देखो क्या 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की, राइट, कीजिएगा आप इसको, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे इसी चैप्टर का, मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, अल्पतमांक की त्रुटि और त्रुटियों का संयोजन। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही ये लेक्चर हम अपलोड करें तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अपने साथ वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मापन की त्रुटियाँ इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।